तो गाइस अभी हम चलते हुए काफ़ी देर हो गया, कोई आधा घंटा हो गया चलते हुए। तो अभी मैं आप अपने गाइज़ स्वागत है आपके एक और नए व्लॉग में। तो गाइज़ आज आपको हम अपना गांव दिखाने वाले हैं, तो आज आपको मैं अपना गांव दिखाऊंगा। तो गांव में काफ़ी ज़्यादा औसम व्यूज़ हैं आपको गाइज़ में आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि उनको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता था। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो घर पर ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोचा एक नया व्लॉग बना लेते हैं। तो आपके लिए चलिए हम आपको अपने गाँव की सैर कराते हैं। तो आपको मैं आज काफ़ी ज़्यादा औसम व्यूज़ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस जो मैं आपको अपने गांव की फर्स्ट व्यू पॉइंट दिखाना चाहता हूं, तो गाइस ये जो आप सामने चिनार का पेड़ देख रहे हैं, इस चिनार के पेड़ के नीचे गाइस छोटे छोटे से शिवलिंग पड़े हुए हैं। तो मैंने पूरे गांव वालों से, इनफैक्ट अपनी दादी से भी जब वो लाइव थे उनसे पूछा था कि ये मतलब आए कहाँ से हैं, क्योंकि बचपन से हम यहाँ पर जाते रहते थे सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग वॉक के टाइम जब करने जाते थे। तो गाइस इसका मतलब ऐसा कुछ किसी को पता नहीं है कहाँ से आए हैं, किसने लाए हैं, किसने स्थापित किए हैं, इनके बारे में किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो अक्सर यहाँ पे यही कहा जाता है कि जब राम राज्य यहाँ पे भारतवर्ष में पूरे चलता था उस टाइम से शायद से यहाँ पे स्थापित हैं। और गाइस जो इस चिनार के पेड़ की मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें जो है लगती है गांव वालों को, जब कभी भी मणिमहेश की यात्रा यहां से भदुआ से होते हुए जाती है, तो फर्स्ट पड़ाव मणिमहेश की यात्रा का हमारे गांव भिज्जा में ही लगता है वासुकीनाग जी के मंदिर के सामने। तो उस टाइम जो यात्रियों को लंगर दिया जाता है, फर्स्ट पानी वगैरह पिलाया जाता है जो यात्री प्यासे वगैरह होते हैं, तो इस चिनार के पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठ के लोग उन सभी यात्रियों को पानी वगैरह देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एज ए मतलब ये एक यात्रियों की सेवा के लिए भी यहाँ पर ये जो स्थान है यूज़ किया जाता है। आपको नेक्स्ट व्यू में दिखाने जा रहा हूँ, आप जो सामने पहाड़ देख रहे हैं ये हमारे बचपन की काफ़ी ज़्यादा पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। तो जब हम गए इस बचपन में अपनी मम्मा के साथ जाते थे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का कच्चा पत्थर निकलता था जिसको हमारी भद्रवाही भाषा में मकोल कहा जाता है। तो उसको हम लेने जाते थे, तो उसको हम घर की छतों के ऊपर जो पानी की लीकेज रोकने के लिए उसको यूज़ करते थे। और दूसरा गाइस जो हमको हमारे स्कूल में हमको जो होमवर्क दिया जाता था घर के लिए, वुडन कार्डबोर्ड्स पे जो स्लेट्स पे हम लिखते थे, तो एक वुडन पेंसिल होती थी उसकी मदद से लिखना पड़ता था, तो इंक होती नहीं थी। तो इस वाइट पत्थर को पानी में हम मिला के, क्योंकि थोड़ा कच्चा होता था आसानी से मिल जाता था, उसको एज ए इंक यूज़ करते थे।
तो गाइज़ आप ये जो अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बचपन में आया करते थे और गर्मियों के टाइम में इस दरिया में नहा करते थे और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी पकड़ी हुई हैं मैंने बचपन में। इस रास्ते में चलते चलते हमें कुछ ऐसा दिख गया जिसे तो हम आपको भी यही बोलेंगे कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें। तो गाइज़ आपको हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कुछ ऐसी फ्लाइज होती है, इनका छत्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। ये आप देख सकते हैं क्लियरली इनका छत्ता, अगर ये आपको काट लें तो भाई आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। गाइज इधर इतना मुश्किल है चढ़ना पूछो मत। ओ भाई गिरते गिरते बच गया यार मैं, मतलब आपको मैं कैमरा में बता नहीं सकता कितनी चढ़ाई है इधर। अभी अगर आप रियल टीम में होते तो आप अंदाज़ा लगा पाते, बट यार इधर से जो औसम व्यू दिखता है यार, आप एक बार देखो ये पीछे गांव और इसके पीछे ये बादल और ये घने जंगल, वाओ व्हाट अ औसम व्यू। गाइज आपको मैं एक इस्टीमेट सा बता देता हूँ अभी हमने कहाँ जाना और कहाँ से हम आए हैं। तो गाइज ये जो आप ऊपर पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट तक अभी हमने जाना है और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा गांव है, कटियाड़ा नाम है उसका, वो आप देख सकते हैं। वो जहाँ से हम आए हैं ये मेरा गांव भेज्जा, ये देख सकते हैं कितनी दूर है। तो गाइज अभी हम चलते चलते काफ़ी थक गए हैं, तो अभी हम इधर ऊपर जाने वाले हैं, पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर भी जाएंगे हम, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे अपने कज़िन के साथ। तो गाइज अभी चलते हुए काफ़ी देर हो गई है, कोई 20-25 मिनट हो गए हैं, तो घर से निकले अभी काफ़ी देर होने के बाद हमको थोड़ा मतलब थकावट महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूप भी आप ऊपर देख सकते हैं, सिर के ऊपर इतना मतलब सूर्य चमक रहा है। तो अभी हम दूसरे पॉइंट पे जाने वाले हैं गाइज, वहाँ से काफ़ी औसम व्यू था, मैं कैमरामैन को बोलूँगा उस साइड दिखाना वो पॉइंट के ऊपर जहाँ से वो जेसीबी लगी हुई है, इस साइड वो पॉइंट पड़ता है भाई। इधर से मतलब आप व्यू देखोगे ना गाइज, एकदम औसम, यहाँ पे दो गांव दिखते हैं एकदम एक टाइम पे एक साथ, एक तो पिछली साइड दिखता है गाँव और एक दूसरा जो इस साइड है वो आपको मैं दिखाऊँगा बाद में। तो चलिए गाइज ये आप जो देख रहे हैं इसको हमारी भद्रवाही भाषा में किसरोड़ बोला जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी होती है खाने में। तो ये भाई यहाँ पर उन्होंने बोला इनका फेस रिवील नहीं करना है, तो अभी हम इनका फेस रिवील नहीं कर सकते, बाकी अभी देख सकते हैं जंगल में या इन जगहों पे ऐसी ऐसी जगहों में पाई जाती है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्यास लग चुकी है, ऊपर वाले की देन की वजह से जगह जगह पे पानी दिया हुआ है और देखो एकदम प्योर साफ पानी एकदम पहाड़ों से निकलता हुआ, ये देख सकते हैं आप बीच पहाड़ में से पानी निकल रहा है। फाइनल पॉइंट जो व्यू पॉइंट है हमारा उधर पहुंच चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं जैसा आपको बता रहा था यहाँ पे दो गांव हैं, जो दो गांव मतलब यहाँ पे आराम से दिखाई देते हैं, एक तो ये इस साइड है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए, ये यहाँ पे कटियाड़ा गाँव है इस गांव का, एक तो ये गाँव है और दूसरा गाँव जो है वो इधर से पिछली साइड हमारा यहाँ पर मैं रहता हूँ वो जगह लगाता है, और यहाँ से तो उसमें बहुत व्यू पॉइंट दिखते हैं गाइज़।
वो भी पॉइंट्स ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आशावती ग्लेशियर है जो वहाँ पे दिख रहा है, जो मेरे घर के सामने से आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, मतलब इसका व्लॉग भी आएगा यहाँ पे। और दूसरा जो हमारे पीछे है वो है कैलाश कुंड का रास्ता, जहाँ पे वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, बर्फ़ पड़ी हुई है अभी वहाँ पे। तो गाइज़ यही था आज के व्लॉग में, तो होप यू विल लाइक इट। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, 1K के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ गाइज़ मेरे को बंदे बोल रहे थे, मतलब DM करके बोल रहे थे कि आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं करते हो। तो गाइज़ प्रॉब्लम ये है कि मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट फिर भी अगर आप अपना मतलब प्यार दिखाएंगे, अगर इस वीडियो पे नॉर्मल 200 लाइक्स और 1K व्यूज़ होते हैं, तो फॉर श्योर मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ। तो होप यू लाइक इट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।